वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। पीछे आपने अमूल के केस स्टडी की बहुत डिमांड कर दी थी, नीचे सैकड़ों लोगों ने कमेंट में लिख दिया था, जो मेरा सहकारिता वाला वीडियो था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। अब इतने लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा तो मैं अमूल का केस स्टडी लेके आ गया हूँ। शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे से चलेंगे। 1946 की बात है, 1946, जब एक लैंडलेस लेबरर कौन होता है? वो जिसके पास अपना लैंड भी नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है। वो बेचारा एक गाय लेके उसका दूध निकालता है, बेचता है। उस समय उनका बहुत शोषण हो रहा था, और शोषण ऐसा कि कभी उनका दूध खरीदा जाता था, कभी नहीं खरीदा जाता था। ठीक रेट दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, आधा वापस लौटा दिया जाता था। उनको दूर तक जाना पड़ता था, उनको ट्रैवल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, और इतने शोषण पे उनका जब पैसा भी नहीं निकलता तो उनकी हालत और खराब। अब करें तो क्या करें, कर्जा लेके ज्यादा गायें लगाएं तो साहूकार कर्जे के लिए ज्यादा पैसा मांग ले उनसे, कर्जा लेके बाइक खरीद के बाजार तक खुद जाकर के बेच के आए मेन मंडी तक, तो बाइक खरीदने के लिए कर्जे का पैसा और उसका भी पेट्रोल तेल पानी, बेचारे बहुत परेशान। मिडिलमैन शोषण ना करे, मुनाफा बीच में ना खा जाए, इसको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए त्रिभुवन दास पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के बाद मोरारजी देसाई और इन लोगों ने उनको इंस्पायर किया कि अब आपको सहकारिता की तैयारी करनी पड़ेगी। शोषण से रोकने के लिए सहकारिता एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो सकता था। उन दिनों एक अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम था पोलसन। पोलसन ये अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में किसानों ने मिलकर गुजरात के इकट्ठे एक सहकारिता का मूवमेंट चालू किया, जिसमें कुछ ही साल के अंदर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि एक जूनियर मैनेजर के रूप में उन दिनों आए ही थे, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे। एक्चुअली डॉक्टर वर्गीज कुरियन उस समय 1950 में वो विदेश में जाके पढ़े थे, मतलब यूएस में जाके, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक किया। इतना पढ़ने के बाद उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी, बड़ी 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 नौकरी करने की, जहां उनको बहुत पैसा मिल सकता था। लेकिन उनको इंस्पायर किया गया कि आप इस मूवमेंट को आगे चला सकते हो, आप में ही वो इंटेलिजेंस, और वो लग गए साथ में। वही त्रिभुवन दास पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए, ये दोनों मिलके एक्चुअली दूर दूर गांव गांव जाके देखा करते थे कि कैसे ट्रक के अंदर दूध आएगा, दूध डाला कैसे जाएगा, निकाला कैसे जाएगा, इकट्ठा कैसे किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, लोगों को जोड़ा कैसे जाएगा, इंस्पायर कैसे किया जाएगा। वो जो कैटल जो किसानों के पास में, यानी कि जो गायें भैंस होती है, उनको बढ़िया चारा कैसे खिलाया जाए, उनको अच्छी डाइट कैसे खिलाया जाए, दूध की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जाए, ये गांव गांव जा करके ये प्लान किया करते थे। शुरुआत के 20 सालों, 10 से 20 सालों के अंदर उन्होंने इतना सॉलिड फाउंडेशन बना दिया, ऐसा रिपीटेबल प्रोसेस बना दिया, जिसके कारण आज के समय में वो जो किसान शुरू में जिसके पास एक गाय होती थी, उसके पास 20-50 गाय होने लग गई। वो किसान जो उसके घर में अब टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, उसके घर में गाड़ी आ गई, उसका अपना मकान हो गया, ये किसने दिया? अमूल ने दिया। इंडिया उस समय एक मिल्क डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, यहाँ पे सफिशिएंट मिल्क था नहीं, दूध इतना कम था कि उन दिनों न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से हमारे को दूध इंपोर्ट करके लाना पड़ता था। और इसी सहकारिता के मॉडल पे इसको इतना शक्तिशाली बनाया कि आज हम लोग न केवल लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं पृथ्वी पे, वर्ल्ड में, बल्कि बहुत ज़्यादा मिल्क सफिशिएंट होने के बाद एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं आज हम। और वो देखिए, ये इसके पीछे एक फिलॉसफी थी, कोई भी कंपनी चालू होती है उसके पीछे एक बड़ी लीडरशिप और बड़ी फिलॉसफी और बड़ी सोच का बड़ा रोल होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का फिलॉसफी क्या था? वैल्यू फॉर मैनी, वैल्यू फॉर मनी, दो चीजें जरा ध्यान से सुनिएगा। इस फिलॉसफी में पूरा अमूल डेयरी छुपा हुआ, जरा ध्यान दीजिए। वैल्यू फॉर मैनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मैनी का मतलब क्या है? वो बहुत सारे जिन्होंने दूध बना के, जिन्होंने दूध इकट्ठा करके हमें दिया है, उनको उसके लिए अच्छी वैल्यू मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो आज सबसे ज्यादा पैसा अगर किसान को कोई दूध का दे रहा है तो वो अमूल है। और वैल्यू फॉर मनी यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, कंज्यूमर जो दूध पीते हैं ना, अमूल, आज आप दूध पीते हैं अमूल का, तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। क्या मतलब? बहुत महंगा नहीं पड़ रहा आपको, तो उसको भी पैसा बढ़िया मिल रहा है और आपको भी प्रोडक्ट बढ़िया दाम में मिल रहा है। ये वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी, ये शुरू से ही इन्होंने सोचा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आर एस सोडी जो उनके अब इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पिछले 6-7 साल से जिन्होंने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की तो दुनिया तारीफ कर रही है, मैं आज आर एस सोडी की बात भी करूंगा, वो नेक्स्ट लीडरशिप इन पाइपलाइन, जिन्होंने 32 साल डॉक्टर कुरियन के साथ काम किया है। ये आर एस सोडी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पिछले कुछ समय में इन्होंने क्या किया मैं जल्दी बताऊंगा। पर आज ये, मैं स्केलेबिलिटी के मॉडल की कई बार बात करता हूं ना, लीडरशिप फनल में भी आते हैं, वहां भी आप सुनते हो। तो ये अमूल ने क्या किया, बिजनेस को, वॉल्यूम को इतना स्केल अप कर दिया, इतना स्केल अप कर दिया कि अल्टीमेटली कॉस्ट पर पैकेट एंड कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क बहुत डाउन हो जाती है।
और ये मैक्सिमम बेनिफिट किसान को देते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से, जब ये दूध को प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको पैकेज करते हैं। तीन स्टेप है, समझ रहे हैं? दूध को प्रोक्योर किया, लेके आए किसान से, उसको प्रोसेस किया और बाद में उसको पैकेज करके दूध के पैकेट के अंदर एक लीटर के आपके घर पे भेज दिया। ये कहते हैं कि जी दूध का प्रोक्योर करना, उसको प्रोसेस करना और पैकेज करने में 15% मेरी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इतने बड़े प्लांट लेंगे, इतनी मैन पावर है, इतना अरेंजमेंट हो रहा है, तो आपकी 15% कॉस्ट उसमें चली गई। पर अब सुनिए कमाल की बात, गेम चेंजर क्या है, ये कैसे सहकारिता के मॉडल पे जो किसानों की अपनी कंपनी है अमूल, या किसी की कंपनी नहीं, किसानों की कंपनी है अमूल, समझ रहे हैं मेरी बात? किसानों की अपनी कंपनी ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को टक्कर कैसे दिया, सुनेंगे? आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी भी FMCG का 15% का मार्जिन लग ही जाता है, वो कॉस्ट लग ही जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना, होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, 15 से ज़्यादा भी आ जाता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, बहुत कॉस्ट आ जाती है, कई बार वो कॉस्ट 30% हो जाती है। लेकिन अमूल वो सारी कॉस्ट इमेजिन करिए 5% में मैनेज कर लेता है। कितने में? 5% में। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग पैकेजिंग 15% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5%, बाकी 80% किसका? ये किसान को दे देते हैं पूरा 80%। एक बार और सुनिए, कम ऑन, क्या क्या पहली बार इसको बोलते हैं सहकारिता का मॉडल। 80% पैसा किसान अपने घर में ले जाता है और वॉल्यूम इतना बड़ा कर दिया, अपना काम 20% में कर लेते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं, जो के प्रॉफिट सारा का सारा किसान में बांटते जाओ, सहकारिता की ताकत। अच्छा, 1947 में ये जो 300 लीटर से चालू हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर दूध बेच रही है। उस समय 300 लीटर दूध था 1947 में, 2017 में 3 करोड़ लीटर हो गया। पर ध्यान दीजिए, ये अमूल जो इतनी बड़ी है, इसका नाम अमूल पड़ा कैसे? एक दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन अर्ली 1950s में सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखें, इसको हम इतना ज़्यादा ब्रांड करना चाहते हैं। एक्चुअली उस समय डॉक्टर कुरियन के माइंड में था कि मैं इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा प्रोक्योर कर लूँ। वो फंड चाहते थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको लाना चाह रहे थे, उससे पहले उसकी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग प्रॉपर्ली करना चाहते थे, तो सोच रहे थे कई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल नाम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनका जो केमिस्ट था ना, वो उनको बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऐसा करते हैं ना, इसको एक एब्रीवेशन बना लेते हैं, इसको अमूल कर देते हैं। तो डॉक्टर कुरियन ने सोचा ये अमूल का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया अमूल जो है ना इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब है अमूल, जिसका मतलब कोई मोल ही ना हो, जिसका कोई मूल्य तय ही ना कर सके, प्राइसलेस। डॉक्टर कुरियन को बहुत बड़ी अच्छी लगी और उस दिन ऐसे प्रोडक्ट का नाम डिसाइड हुआ अमूल, जो हो सकता है आपके घर भी आता हो। क्यों ना कुछ हम आंकड़ों पर नजर डाल लें कि आज अमूल अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले कहाँ पे, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज में, और उसके बाद स्ट्रैटेजी जो आपको आपके बिजनेस में काम आएगी। स्ट्रैटेजी मिस मत करिएगा, इन आंकड़ों के बाद मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। टर्नओवर के मामले में अमूल 38,000 करोड़ पे है, नेस्ले 10,800 करोड़ पे, मदर डेरी 7,800 करोड़ पे, पराग 1,700 करोड़ पे और क्वालिटी 1,000 करोड़ पे। लेकिन मक्खन के सेगमेंट में अमूल हमेशा ही नंबर 1, मदर डेरी नंबर 2, ब्रिटानिया 3, क्वालिटी 4 और उड़ीसा की एक स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन है वो नंबर 5। आइसक्रीम के मामले में अमूल नंबर 1, बैस्किन रॉबिन नंबर 2, क्वालिटी वॉल्स नंबर 3, मदर डेरी 4, वाडीलाल और उसके बाद क्रीम बेल। 36 लाख किसानों से 18,500 गांव के अंदर 3 करोड़ लीटर दूध, 38,000 करोड़ का टर्नओवर, मैसिव बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड कर दिया। अब आपके काम के लिए क्या है? आपके काम के लिए एक्सपेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज को समझिए। ये तीन लेवल पे काम करते हैं, पहले विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल पे ये जाकर के प्रोड्यूसर से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, जैसे किसान है वो उनको दूध देता है, तो विलेज लेवल पे लाकर के वो अपने दूध दे देता है, क्योंकि ये विलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं। वहां से लेने के बाद उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ दूध तो वहीं पे आसपास बांट दिया लोगों को, और कुछ को विलेज लेवल से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट लाइन उसमें से बना लेते हैं, तो कुछ तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया उसको, और कुछ फिर आगे स्टेट लेवल पे पहुंचा दिया उसी दूध को। और स्टेट लेवल पे पहुंचने के बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे कि उससे सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट बनाने की तैयारी करना, जैसे उससे मक्खन पनीर बनाना, चीज़ बनाना, उसका आइसक्रीम बनाना, वो सब काम करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाना, उस दूध को घर घर तक पहुंचाना, ये हो गया सारा। बाद में स्टेट लेवल पे अलग अलग तीन लेवल पे यूनियंस फॉर्म करके उनको सहकारिता के मॉडल से तेजी से एक्सपैंड किया। अच्छा, ये कच्चा पक्का काम नहीं है। प्रोक्योरमेंट में मेरा मन है बहुत डिटेल में बताऊं, थोड़ा शॉर्ट में तो जरूर बताऊंगा। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक फैट टेस्टिंग मशीन जिन्होंने विलेज लेवल तक
लगा दी हैं। अब एक किसान आता है, दूध लेके आता है, तो उसके वॉल्यूम को लेकर के, फैट के कंटेंट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसके दूध को नाप लिया जाता है, माप लिया जाता है, उसको एक प्लास्टिक का आइडेंटिटी टोकन दे दिया जाता है, जिससे वो नेक्स्ट काउंटर पर जाता है, पीछे से मशीन से टेस्ट होकर उसको रिजल्ट मिल जाता है, उस टोकन के हिसाब से पता लग जाता है कि उसकी दूध की क्या वैल्यू है, और उसको तुरंत वहीं के वहीं पैसा मिल जाता है। सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक बना दिया है, प्रोसेस ओरिएंटेड, ताकि स्पीड बनी रहे। वैसे तो अमूल के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आना ही स्वाभाविक है। उनकी लीडरशिप बहुत लंबी चौड़ी गहरी और बड़ी सफल रही। ऑफ कोर्स उनको श्वेत क्रांति का पिता माना गया, ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द डेयरी मूवमेंट इन आर कंट्री। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि आपको भी गायें पालनी चाहिए और इस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस पर जरूर फोकस करें। लेकिन बात यहां नहीं रुकी, असली जे कर्व तो अब आया है जब आर एस सोडी आए, जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, वो चुपचाप पीछे बैठ के अपना काम कर रहे थे। 32 साल तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ काम किया, आज वो कंपनी के एमडी हो गए। 3 जगह उन्होंने भयंकर काम किया इस कंपनी के अंदर। पिछले 7 साल के अंदर कंपनी ने बड़ी मैसिव ग्रोथ ली है। 3 जगह काम किया। पहला, इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया प्रोक्योरमेंट में। कहते हैं दूध जहां से मिल सकता है ले लो, बढ़िया क्वालिटी का दूध लेने का प्रोसेस बना दिया, हर जगह से दूध लो। गुजरात के अंदर प्रोक्योरमेंट बढ़ा दो, स्वराष्ट्र तक चले जाओ, गुजरात के बाहर भी चले जाओ, अलग अलग स्टेट में चले गए प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के लिए। दूसरा, उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर दो। जितनी जल्दी प्रोक्योर करेंगे उतनी जल्दी उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो 50 तरह के इन्होंने प्रोडक्ट और ऐड कर दिए पिछले 7 सालों के अंदर। सुनिए ध्यान से, कम ऑन, अमूल ने 50 नए प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर दिए, जिसके कारण उनका टॉप लाइन जो रेवेन्यू होता है ना सेल्स, जितने ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हाई सेलिंग प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जितनी बड़ा जाल उतनी ज्यादा मछली। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान सुनिए, मछुआरा बड़ा एक्सपर्ट तब होता है जब जितना बड़ा जाल डाले उतनी सारी मछली फंस जाती है। लेकिन जाल वही होना चाहिए जिसमें छेद ना हो, तो प्रोडक्ट वही हो जो बड़े काम का हो। ऐसे प्रोडक्ट लाइन उन्होंने ऐड कर दिए पिछले 7 सालों में। फार्मर की इनकम को उन्होंने 4 गुना बढ़वा दिया, मिल्क प्रोक्योरमेंट के प्राइस को 2 गुना बढ़ा दिया, टर्नओवर को 238% बढ़ा दिया, नए प्रोडक्ट तो 50 लाई दिए, गुजरात के अंदर भी, गुजरात के बाहर भी। तो मैंने बताई आपको 2 बातें, 1 के दूध को प्रोक्योर ज्यादा किया, और दूसरा दूध को प्रोसेस बहुत तेज किया। 3rd जो एक्सपेंशन किया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में किया, बोला यार दूध बना लिया, ले आए, इससे प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, अब बेचने पे साथ साथ काम करना पड़ेगा। अपने रिटेल काउंटर देश भर में बढ़ा दिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर देश भर में बढ़ा दिए, किसी प्रकार से उन स्टेट्स में जाओ जहां मेरा मार्केट शेयर लो है। जिधर जिधर ये लो थे ये वहां भी घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ये इससे 38,000 करोड़ पे, अगले 3 साल के अंदर 50,000 करोड़ का नंबर पार करना चाहते हैं। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और दूसरा फास्ट मूवर भी भयंकर। अच्छा, खर्चा ज्यादा ना लग जाए ना, तो शुरू से इन्होंने क्या कहा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करो, वैरायटी स्टाइल्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करो, वैरायटी सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बिल्ड करो, लेकिन ब्रांड यूनिफॉर्म अम्ब्रेला रखो। कम ऑन, क्या मतलब हुआ? कुछ भी खरीद लो, आइसक्रीम खरीदो, मक्खन खरीदो, दूध खरीदो, दही खरीदो, छाछ खरीदो, रहेगा अमूल, नाम अलग अलग नहीं है। कम ऑन, ये इससे फायदा क्या है इनको? प्रमोशन केवल एक ब्रांड की करनी पड़ती है, यानी कि अमूल, और प्रोडक्ट लाइन उसमें सारे बिकते हैं, जिससे मिल जाता है रब ऑफ इफेक्ट। कोई ज्यादा बिकता है, कोई कम बिकता है, जो नहीं भी बिकता है अमूल के नाम पे बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमूल का ट्रस्ट हो गया। क्या कहते हैं? द टेस्ट ऑफ इंडिया, चाहे अमूल का स्प्रेड रेंज ले लो, या उसकी कोई ड्रिंक ले लो, उसका कोई दूध ले लो, प्रो मिल्क ले लो, चीज ले लो, या कुकिंग की रेंज ले लो, अमूल का दही देख लो, या मिठाई देख लो, आइसक्रीम देख लो, या चॉकलेट देख लो। पैसे कम थे, बहुत ज़्यादा थे नहीं, मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा नहीं, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी रखी। स्ट्रैटेजी क्या है इनकी? प्रोडक्ट कितनी भी तरह के बिल्ड करो, पर ब्रांड एक ही। क्या मतलब? ब्रांड एक ही, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग, अमूल की ब्रांडिंग। अमूल के अंडर ही चलेंगे सारे प्रोडक्ट लाइन। आपको ब्रांडिंग केवल अमूल की करनी पड़ेगी, यानी कि जब भी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी, प्रिंट की एडवर्टीजमेंट हो, टीवी की एडवर्टीजमेंट हो, आउटडोर की एडवर्टीजमेंट हो, फेसबुक सोशल मीडिया पे हो, किसी भी प्रकार की ऐड ले लो, ऐड केवल अमूल की करनी है। और वो जो अमूल की, जो अमूल गर्ल है ना, वो अमूल गर्ल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ लॉन्गेस्ट रन कैंपेन एवर हैपेंड ऑन द प्लैनेट अर्थ। क्या मतलब? वो अमूल गर्ल सालों साल चलती आ रही है, पर वो पता है आउटडेटेड क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई बिकॉज शी हैज मेंटेन्ड, और द ब्रांड आइडेंटिटी हैज मेंटेन्ड टू शोकेस द रिफ्लेक्शन मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये रिफ्लेक्शन मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का अर्थ क्या हुआ कि वो बात तभी वही करती है जो बात समाज में चल रही हो। वो क्या करेगी? बजरंगी भाईजान मूवी आएगी तो बोलेगी बटरंगी भाईजान, वो गाना आएगा बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने नाम, माने नाम, बटरमीज दिल, बटरमीज दिल। तो वो क्या है? वो कंटेम्पररी
फ्रेशनेस बिल्ड करती रही। नरेंद्र मोदी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा डिनर आया है। कहती अच्छा दिन नहीं अच्छा डिनर, तो वो मक्खन दिखा दिया साथ में। वो पहले उस समय आइस बकेट चैलेंज होता था, ये स्लाइस बकेट चैलेंज, स्लाइस बटर चैलेंज बोलती है। ब्रिजिंग दी जनरेशन गैप को ब्रिजिंग दी जेंडरेशन गैप बोल दिया, यानी कि सारी महिलाएं दिखा दी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि खरीदती तो सारी महिलाएं है ना। डेयरी फार्मिंग को उन्होंने कमर्शियली वायबल बिजनेस बना दिया। आज नेक्स्ट जनरेशन, आज की जनरेशन जो है गाय का गोबर उठाने में, गाय का दूध निकालने में, गाय का मूत्र साफ करने में तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया कि आज की जनरेशन को भी टिका लिया, उनको भी रोक लिया। ये नहीं कि बूढ़े बूढ़े दादाजी को दूध निकाल रहे हो, आज के जमाने के लड़के भी करने को तैयार, उनको पता है 40-50 हज़ार रुपए महीना से बच जाएगा। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था बेरोजगारी के विषय में, हालांकि मैं राजनीति की चर्चा करता नहीं पर छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। बेरोजगारी पर उन्होंने क्या कहा, अरे भाई गाय पाल लो, हमारे देश के यूथों को, यूथ लोगों को गाय पाल करके उसका दूध बेच करके काम चला लेना चाहिए, उससे भी काम तो चल जाता है। उधर भाई साहब आपको पता है राजदीप सरदेसाई गाय वाय की बात पे तो बुरा मान जाते हैं, उन्होंने को ट्वीट निकाल दिया जी कि लेफ्ट वाले अच्छे थे अब ये आ गए। मैं जरा उनकी ट्वीट की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आरएस सोढ़ी जो एमडी है अमूल के, इन्होंने उनको उखाड़ दिया, इन्होंने उनके ट्वीट के नीचे ट्वीट कर दिया, और एक के बाद एक दो चार ट्वीट कर दिए, और क्या बोल दिया ट्वीट में कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने तो बड़ी समझदारी की बात करी कि त्रिपुरा मिल्क डेफिसिट स्टेट है, करोड़ों रुपया खर्च करता है बाहर से दूध लाने में, 50 रुपए लीटर दूध 55 रुपए लीटर दूध त्रिपुरा में बिक रहा है। अगर वहां का आदमी अगर कुछ गाय रख ले वहां का लड़का, तो वो 5-7 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक साल का आराम से कमा जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो करना ही चाहिए, बड़ा कमर्शियली वायबल बिजनेस है। और तो और उन्होंने एक और नीचे ट्वीट लिख दिया कि गुजरात के अंदर कनुबेन पटेल हैं जिनको प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने, क्यों, दूध सप्लाई करके 84 लाख रुपए का बिजनेस उन्होंने साल में अकेले खुद ही कर लिया, नियरली 1 करोड़ रुपए का, अरे दूध बेच के करोड़पति। बहरहाल ये केवल मेरे आप व्यूअर्स ने ही नहीं, ये मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स ने भी मुझसे डिमांड की थी कि अमूल की केस स्टडी को डिटेल में समझाइए। मेरा प्यार इतना है आपसे, आप डिमांड करते हैं मैं आपको तुरंत बना के दे देता हूं। और सुनिए, केवल लीडरशिप फनल ही नहीं है, अगर आप मिस कर गए तो मैं आपको बता दूं बाउंस बैक सीरीज भी, ये भी हमने एक लो टिकट प्राइस पे प्रोडक्ट तैयार किया। लोग बोलते हैं यार पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, कोई सस्ता इवेंट हो डॉक्टर बिंद्रा का, आइए मुझसे आकर के मिलिए, आइए मुझसे आकर लाइव मिलिए, और वहां पे गेम चेंजिंग आइडियाज मुझसे डिस्कस करिए। अगर आप 6 महीने के एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल में आइए, उसका मोबाइल नंबर अलग है। और अगर आप बाउंस बैक सीरीज 4 घंटे का इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, हो सकता है मैं आपके शहर के नजदीक आने वाला हूं, पता करिए कैलेंडर पर फोन करके कि वो कहां होने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। उसका कारण क्या है, इस वीडियो में ऐसे आइडियाज हैं जो गरीबी से निकलते वक्त आज हमारे देश को दुनिया के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में खड़ा करने वाला एक दमदार सहकारिता का मॉडल किसी को भी आइडिया दे सकता है। अपने आसपास किसानों को, अपने आसपास गांव के लोगों को, अपने आसपास जो जो व्यापार करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है, उसको ये आइडिया दीजिए, ताकि हो सकता है उनको गेम चेंजिंग आइडिया देकर एक वीडियो से मिल जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कौन सी केस स्टडी चाहिए। वीडियो को लाइक करिए अगर थोड़ी सी भी मदद होती है ना मेरे वीडियो से। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं लाइक जरूर दीजिए। सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोज को वापस आके देखने के लिए फिर से धन्यवाद।